अबे कहाँ हो दोनों के दोनों? कितनी जरूरी बात करने के लिए यहाँ पे मीटिंग रखी है, तुमसे अभी तक नहीं आया जा रही है? बड़ा बड़ा हो भैया, कितने वीआईपी रेस्टोरेंट में बैठा हूँ मैं, आज तक मेरा बाप ना बैठा होगा। बैठा तो है तेरा बाप पहले से ही है। कभी यार इतने वीआईपी रेस्टोरेंट में हम ना आए, लेकिन तेरे जैसा भिखारी यहाँ कैसा आ गया? देख बेटे, लटका हुआ आड़ भी होता है, लटका हुआ फलान भी होता, लेकिन दोनों में जमीन और आसमान का अंतर होता। मैं फलान हूँ, तू कितना भी लटक जाएगा ना, रहेगा मुझसे नीचे ही। मेरी बराबरी में अपनी गिनती मत कर करो सालो। अरे यार चल ठीक है, लेकिन तू इतने वीआईपी रेस्टोरेंट में मीटिंग रखने की जरूरत थी? तू पता कितने हरामी हो, मैं यहाँ के बेटे फटाफट इंग्लिश बोले हैं, और हमारी हालत देख के तो ऐसे भगा देंगे हमें। अबे चल बे, तुझे ही तो भगा देंगे, मुझे थोड़ी, तेरे भाई का स्टाइल है अलग। ऐसी टिप फेंक के मारूंगा वेटर के मुंह पे, आगे पीछे अलग घूमेगा, मेरे कंधे दबागा। ओनली सी मी वेटर। जी सर। ये पकड़ो 100 कनौल, 3 चाय बहुत शानदार वाली और 2 ब्रेड पकौड़े, बाकी जो बचे तुम रख लेना टिप हमारी तरफ से। सर यहाँ पर एक चाय 190 रुपए की है। 190 की? क्या भैया रशियन के दूध की चाय बना रहा हो कैसे? सर बदतमीजी बातें मत करो, और आपने ये पानी जो वेस्ट कर दिया ना, ये 90 रुपए कीमत की बोतल का पानी था। फिर तो मेरे भाई गलत ही हाथ लगा दिया इस बोतल को, मुझे तो लगा सरकारी नल पे से भर के रख दिया। क्या लो इसके काट लो फिर पैसे इतने, और क्या। सर आपके 10 रुपए बचेंगे, लाने हैं या फिर टिप रख लो? ना टिप का भी हिसाब ना भाई, सब ला दो। रोला टिप स्टाइल क्या हुआ अब? अब भी कह रही हूँ चल ले यहाँ से, अपनी औकात देख के बैठ जाएंगे किसी ढाबे पे। अच्छा यहाँ अब जरूर चला जाऊंगा, 90 रुपए की पानी की बोतल लिए थोड़े ना बहुत, अब तो यहीं बैठूंगा 4-5 घंटे एसी में ही। बाहर तो बहुत गर्मी हो रही है, मुझसे नहीं बैठा जाएगा। अबे भैया ऐसा कैसे बैठने देंगे खाली पानी की बोतल में, जब तक खाने पीने का ऑर्डर ना देगा तू। बिना खाने पीने का ऑर्डर दिए हुए तो ये भगा देंगे। वो हाथ ही कट जाएगा जो दिलावर को भगाने आएगा। लीजिए सर आपका 10 का नोट। और सर खाने में क्या लेंगे आप? खाने में कुछ नहीं लेंगे, 2-4 घंटे यहीं बैठ के आराम करेंगे, कोई हमें परेशान ना करे, जाओ यहाँ से। लेकिन सर आप बिना खाने का ऑर्डर दिए यहाँ नहीं बैठ सकते इतनी देर? ऐसे कैसे नहीं बैठ सकते भाई, इतना महंगा पानी लिया हमने यहाँ पे, यार क्यों नहीं बैठेंगे हम, तो यहीं बैठेंगे। सर आप पानी की बोतल लें या कुछ भी लें, बिना खाने का ऑर्डर दिए हुए नहीं बैठ सकते, और भी कस्टमर है ना हमारे पास। अगर पूरी दुनिया के किसी बाप में हिम्मत है तो यहाँ से मुझे उठा के दिखावे। तो उठाने हुए थी, इन्होंने उठा के फेंक दिया। अपने मोबाइल का कैमरा निकाल, इसकी यही बीच चौराहे पे गाड़ मारूंगा, और तू बनाना वीडियो इसकी, मेरा चेहरा मत लेना या मेरे चेहरे पे स्टिकर मार देना लाल दिल का। टेंशन मत लो, ये ढाबा अपनी औकात में है, यहाँ तो मस्त बैठेंगे। जब तुझसे वहाँ पे कह रहा था कि यहाँ से चल ले, लेकिन तुम वहाँ पे अंग्रेज बनकर दिखा दिया। अब तेरी इज्जत ना, तो तू अपनी बेइज्जती करवा, हम दोनों क्यों घसीटता साथ में, पता कितनी बेइज्जती करवा दी ना आज हमारी, मुँह दिखाने के लायक न रहे मैं कहीं भी, दिल दुखा पड़ा आज मेरा। अबे चुप, हाथी के भोसड़े चीखे जा रही है, बेइज्जती बेइज्जती तेरी गाय की बेइज्जती। अबे जिसकी इज्जत है वो तो कुछ बोल ना रही, तू कुत्ते की तरह भोंके जा रही है साले। अभी पोल खोल दूंगा 2 मिनट में, तेरी अम्मा जुनैद भाई से सेट है पकौड़ी वालों से। वैसे यार देख बदनामी तो हुई है, ये बात तो तुझे भी माननी पड़ेगी। अरे यार तुम दोनों पागल हो कौन हो, बेइज्जती होती अगर कोई और आदमी देख लेता हमें, हम तीनों ही तो थे वहाँ, हम एक दूसरे की बात किसी से कंगे थोड़ी, कोई और एक भी आदमी देख लेता तो मुझे सबर था कि हाँ बेइज्जती हो गई। हाँ वैसे ये भी सही कह रही है। अब अभी तुम्हें वहां से निकाला धक्के मार के, अब तुम यहाँ आगे बैठ गए, तुम्हें शर्म ना आती? कम बोल ले साले कम, और जा फटाफट घर को चला जा, ना अंधेरा होने वाला, दिखाई भी ना देगा काली है भैया से। यार तुम तो एकदम मुंह फुला लेते हो, कितनी बड़ी दुनिया है, एक आदमी ने देख भी लिया तो इतनी बात खराब थोड़ी हो गई। अब रुक रुक, देखिए बैठे थे जिनके बारे में तुझसे मैं बता रहा, रेस्टोरेंट वाले ने ना इन्हें धक्का देकर निकाला बाहर। हमें थोड़ी कह रिया है, कह रिया होगा किसी को, हम क्यों ध्यान दें इनकी बातों पर। अबे तुमसे कह रही हूँ, और यार झबरे वाले तेरे तो बड़ी भर के रेपटा मारा।
इतना मोटा झबरे वाले का ठीक है, आगरा तक पहुंचेंगे, ये ध्यान रखिए। काम से काम रखे करो साल अपने, चल जाए ऐसे। देख फैल गई सब में, तेरी वजह से हम दोनों कहीं मुंह दिखाने के लायक ना रहे। अरे अब चलो जो हुआ सो हुआ यार, मैं गलती मान रही हूँ अपनी, पर अब वो बात कर लें जिसलिए ये मीटिंग बैठाई है मैंने, अपनी जिंदगी की सबसे इम्पोर्टेंट बात है यार। हाँ चल बता। देखो अब हम बड़े हो गए हैं, हमें इतना पैसा कमाना चाहिए जिससे पूरी दुनिया में हमारी इज्जत हो। हाँ यार कहीं नौकरी भी तो ना लग रही है। अबे गधे, नौकरी लगेगी तो हम करेंगे क्यों? ये 8-10 हजार 20 हजार की नौकरी हम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे भाई 20 हजार की नौकरी? मैं तो जरूर करूँगा। बस तेरी यही सोच ने तो तुझे गरीब बना रखा है। अबे क्या कर लेगा, क्या गुजारा हो जाएगा 10-20 हजार की नौकरी में? मेरे पास एक आइडिया है जिससे हम लाखों करोड़ों कमा सकते हैं एक बार में ही। अरे भैया ऐसा क्या करवाओगा हमसे? हमसे ना होगा कुछ भी। अबे तुम्हें करना कब है? करूँगा सब मैं, तुम्हें तो बस मेरा साथ देना है। अगर मेरा साथ दे दोगे तो 1 लाख की नहीं पता, 2 लाख की नहीं पता, 10 लाख की नहीं पता, एक ही झटके में करोड़ों रुपए के मालिक बन जाएंगे कुछ ही दिनों में। हैं? अगर मालदारी की और पैसे की बात है तो मैं तो तैयार हूँ, करना क्या है ये बता। अब तुम्हें कुछ नहीं करना, जो भी करूँगा मैं करूँगा, तुम बस मेरा साथ दो। अब हम बन ना पूछे घर के अंदर घुस जाए, कोई दिक्कत तो ना होगी। अबे दिलावर पागल है क्या? अब हम डकैत हैं, हम बिना पूछे कहीं भी घुस सकते हैं और वो सारे काम करेंगे जिसकी अनुमति सरकार नहीं देती। ऐसा है, सरकार से भिड़ने की मत सोच लिए, न गाड़ का 10 हजार फीट गहरा कुआ कब बन जाएगा तुझे भी पता ना चलेगा। सरकार जो कहेगी वो हम सब करेंगे। भाड़ो आ। ए, कोई अपनी जगह से नहीं लेगा। कौन हो तुम? मैं तेरा दूल्हा हूँ, ये तेरा फूफा और ये होने वाला दामाद है तेरा। तेरी बहन की छिनाल मारू तमंचे वमंचे हाथ में तू दिखाई नहीं दे रही। तेरे घर में डाका डल चुका है, डकैत है हम। जाके पूरे घर के सोना चांदी पैसा जो भी हो निकाल के लाओ, इतने में ही नहीं देखता हूँ। सुनो, हमारे घर पे डाका डालना जरूरी है क्या? चाहे तो कुछ चोर लूट लो। दिलावर देख ध्यान भटका रही है मेरा, इसका यही नींबू निचोड़ दूंगा। यही तो गलती करते हैं हम लड़के, काम के वक्त लड़की बाजी में घुस जाते हैं, इसीलिए हम बर्बाद रहते हैं। पहले पैसा लूट, उसके बाद इसकी इज्जत लूटेंगे। और तू ऐसी वैसी लड़की मत समझना, बहुत अच्छे परिवार से हूँ मैं। हाँ दिख गया कितने अच्छे घर से है तू। ये दोनों चूसे किसके हैं? ये दोनों बेटे मेरे ही हैं। एक इतना काला और एक इतना गोरा, इन दोनों को देख के साफ पता चल लिया कितने नलों का पानी पी चुकी है तू। जल्दी से पूरे घर को साफ करो फटाफट। दिलावर कम से कम 10-12 लाख का माल है, घर की सारी कीमती चीजें और सोना चांदी चुरा के लाया हूँ। दिलावर सही कह रहा था तू, पहली झटकी में हम मालदार हो गए, कम से कम 7-8 लाख रुपए का कैश है। कहा था ना मैंने बस तुम मेरा साथ दो, मालदार करना मेरा काम है। कुछ रहा तो नहीं? अरे रहा तो कुछ नहीं, बस एक 500 का नोट रह गया। मैंने कहा हट साले, बहुत पैसा अब हमारे पास, 500 का नोट नहीं चाहिए। चलो कहा? अरे अड्डे पे चलो, पैसा बंटवारा करेंगे। कहा है वो 500 का नोट? अंदर दराज में।
आजा बेटे आजा, तेरा इंतजार था। दिलावर भाई आज तुम्हारी गांव में केजीएफ का कीड़ा ना होता ना तो आज पहली चोरी हमारी सक्सेसफुल हो गई थी। अबे 8 से 10 लाख रुपए तो मेरे पास थे कैश वो भी, और 8 से 10 लाख रुपए का सोना चांदी इस पे था, मजा आ जाता। यार इसमें मेरी कोई गलती ना है, इसकी ये गलती। देख कैसा केवड़े की तरह बैठा, इनने केजीएफ क्यों दिखाई मुझे, 3 बार दिखा के आया। बाकी तू पुलिस की टेंशन मत लेना, ये कुछ नहीं कर सकते तेरे भाई का जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। इनकी औकात क्या है यार, मैं बैठा तो हूँ यहाँ। अच्छा हाँ, कुछ नहीं कर सकता कुछ भी। तू जैसे मुझे लेके जा रही है ऐसी ही बाबा छोड़ के जाएगा, और खाना अलग खिलागा मुझे, तेरी इतनी औकात नहीं है मेरे सामने। समझा बेटे, कुछ ज्यादा ना बोल दिया तू। अबे इसे बता मैं उल्टा बोल ही नहीं रहा हूँ, तेरे ही थाने में तुझे उल्टा लटकाऊंगा अभी, चल तो सही। लटकागा उल्टा लेकिन बेटा शुक्र है हम जिंदा तो है कम से कम। बच गए बस, गाल गाल कुटी अपनी, कोई टेंशन की बात ना। अबे चुप साले, तेरी वजह से ही तो यहाँ फंसे हम। एक तो तूने चोरी करते हुए नाटक कर दिया, ऊपर से दरोगा जी से कह रही है कि उल्टा लटका दूंगा तुम्हें, अब जेल। यार दिलावर भाई मुझे यहाँ से निकालो यार, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। ये पीछे भाई सब बैठे, इनसे बात कर लो यार, क्या पता इनकी कुछ बात हो, सिफारिश लगभग हमें छुड़वा दें यार। बे चल, इनकी कोई औकात थोड़ी हो बे, इसकी तो और उल्टा मुझे सिफारिश करनी पड़ेगी तब दरोगा सरोगा बन सके। तो उल्टा बोलने की जरूरत ना। ये तो हमें कुत्ते की तरह धो रहा है, और ये सब हो रहा है इसकी वजह से। इसने उस टाइम भी ऐसी करा और अब भी ऐसी करा, अपने साथ साथ साला हमें जरूर फंसवाएगा कुत्ता। सही कह रहे हो यार तुम, तुम्हारी तो कोई गलती नहीं है, मैं ही तो फंसवा रही हूँ तुम्हें पहले भी और अब भी। सारा शौक मेरा पैसे कमाने का, डकैत बनने का, नाम कमाने का, तुम नाजायज क्यों फंसोगे यार। टेंशन मत लो, दरोगा जी से अभी बुला के उनसे साफ साफ सच सच बता दूंगा उन्हें कि सारी गलती मेरी है, सारा इल्जाम अपने सर पे लेके तुम्हें यहाँ से फ्री कर दूंगा। तुम दोनों जाओ और अपनी जिंदगी जीना, सारा इल्जाम तुम्हारा भाई ले लेगा यार, टेंशन मत लो। यार भाई तू इतना अच्छा भी है दिल का। अरे नहीं यार क्या अच्छा, गलती जब मेरी है तो मैं ही तो फंसूंगा ना, तुम्हें क्यों फंसाऊंगा। बदमाशी करोगे, डकैत बनोगे मेरे एरिया में, ये बताओ सालो तुम में से सरदार कौन है। दरोगा जी ये है बीच वाला। अबे क्या कह रही है। देख भैया आप सच बताना पड़ेगा दरोगा जी को, अब सच नहीं छुपेगा। ऐसे बात है दरोगा जी, मैं आपको बता दूं, मैं उल्टी दस्त की दवाई लेने जा रही हूं, मुझे हुए पड़े, चाहे चेक कर लो। तो ये रास्ते में रोक के मुझे बोला मेरे साथ चल 500 रुपए दूंगा। मैंने कहा चलो 500 रुपए कमा लेंगे, दवाई बाद में ले लेंगे। मैं इसके साथ आ गया, मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे तो पता भी नहीं मैटर क्या, तो मुझे तो छोड़ ही दोगे तो फायदे में रहोगे दरोगा जी। जेल तो बेटा तुम तीनों को ही होगी, लेकिन उससे पहले इस सरदार के कारण मैं ऐसा डंडा करूंगा मैं, ताकि ये आगे को कोई गलत काम ना कर पाए।
सर आज दिलावर और उसके साथियों की रिहाई हो रही है जेल से। अच्छी बात है तीनों की रिहाई हो चुकी है, तो इंसान पैसे के लालच में गलत काम तो कर ही लेता है, लेकिन शायद अब वो सुधर जाए, गलत काम ना करें। सर दिलावर नहीं सुधरने का, बहुत बड़ा हरामी है वो, मैं उसके साथ जेल में रहा हूँ, कुछ भी कर सकता है सर वो। अरे यार इंसान क्यों गलत काम करता है पैसे के लिए, पैसे कमाने के तो बहुत जेन्युइन तरीके हैं। मैं खुद ट्रेडिंग करता हूँ अपनी साइड इनकम के लिए ओक्टा एफएक्स पर। आपने ट्रेडिंग क्यों चुना? पहला, ट्रेडिंग चांस देता है पैसे अर्न करने का, वो भी पूरा टाइम काम किए बिना, पैसिव इनकम क्रिएट करता है। और दूसरा, तुम कहीं से भी अर्न कर सकते हो बस अपना स्मार्टफोन यूज करके। अब स्टार्ट करने के लिए तुझे ज्यादा फंड्स की भी जरूरत नहीं है। ग्लोबल रिलायबल और ब्रोकर ओक्टा एफएक्स के साथ तुम स्टार्ट कर सकते हो बस 2000 रुपए में, और अपना प्रॉफिट डायरेक्ट विड्रॉ कर सकते हो अपने बैंक अकाउंट में, बैंक कार्ड में, और भी बहुत सारे ऑप्शन। ये तो बड़ा मुश्किल लग रहा है, ट्रेडिंग कैसे सीख सकते हैं? ओक्टा एफएक्स देता है फ्री में एजुकेशनल मटेरियल, जैसे बिगिनर्स ट्यूटोरियल, आर्टिकल, ट्रेडिंग के अंदर बाहर की चीजें सीखने के लिए, और तुम इसे स्टार्ट कर सकते हो अपने डेमो अकाउंट से, जिससे तुम वर्चुअल मनी पर ट्रेड कर सकते हो बिना अपने पैसे पर रिस्क लेके। डेमो अकाउंट पर भी रियल अकाउंट जैसी मार्केट कंडीशंस होती हैं, जिससे तुम ट्रेडिंग की स्ट्रेटेजी की प्रैक्टिस कर सकते हो। मेरे पास एक एक्सक्लूसिव प्रोमो कोड है टॉप रियल, यूज कर इसे अपना डिपॉजिट डबल करने के लिए। तो अभी डाउनलोड कर ओक्टा एफएक्स ट्रेडिंग ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में। अरे ये तो बहुत बढ़िया है, अभी जाके डाउनलोड करता हूँ। अब लेंगे भाई सुकून की सांस। सही कह रिया। देखो भैया मुझे ना चाहिए कोई जल्दी का पैसा, ना वरना मुझे कोई डकैत, और ना चाहिए भैया मुझे कोई नाम। हमें सादे सिंपल आदमी, ये जेल वेल के लफड़े अपने बस की ना है। देखो आज के बाद ना मैं तुम्हें जानता ना तुम मुझे जानते, मैं चला अपने रास्ते, तुम जाओ अपने रास्ते। अबे रुक, मैं भी तेरे साथ चल लिया हूं। और इसका साथ तो कभी जिंदगी में ना दूंगा, कोई गधे का बच्चा ही होगा जो इसका साथ देगा। तू अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते, चल। अबे इतने से मैं डर गया कि गांडो, उस दिन मुझसे अगर जरा सी गलती ना हुई होती ना, तो आज हमारे पास 7-8 लाख का कैश, 12-13 लाख का सोना होता, और हम गोवा के बीच पे सेक्सी लड़कियों से मजे ले रहे होते। अबे डाकू बनना कोई आसान थोड़ी है, रिस्क तो लेने ही पड़ते हैं। क्या हुआ अगर जेल हो गई हमें, तो रिस्क लेंगे तभी हमारा नाम बनेगा, ऐसे तो कोई भी आएगा मुंह उठा के डाकू बन जाएगा। अब हम घर नहीं लूटेंगे, आप पूरे गांव पे कब्जा करेंगे, और उसमें तुम मेरा साथ दोगे। तुझसे एक घर तो लूटाना गया और पूरा गांव लूटेगा? अबे दिमाग से सोच, अगर हम तीनों मिल गए तो क्या कुछ नहीं कर सकते। तीनों? अबे तू अकेला, हम दोनों तो तेरा साथ कभी भी ना देंगे, चल वे। देख लो, इस बार मैं कोई गलती नहीं करूंगा, और वादा करता हूँ कई करोड़ की चोरी करेंगे हम। और सुनो, चोरी किया हुआ करोड़ों का पैसा, जिसमें मैं तुम्हें 80% दूंगा और खुद 20% रखूंगा। और सुनो, 80% पैसा तुम्हें देकर 20% पैसा जो मेरे पास बचेगा, हर महीने तुम्हें थाईलैंड लेकर जाऊंगा, और लड़कियों के साथ वो सब करेंगे जो तुम सोच रहे हो। अरे मैं कहीं जा थोड़ी रहा हूँ, मैं तो तेरे साथ हूँ मेरे दोस्त। बचपन से तेरे साथ थे हैं और रहेंगे। मैं बगीरा, कसम खाता हूँ हमेशा दिलावर भाई का साथ दूंगा। मैं बप्पी, कसम खाता हूँ अपने दिलावर भाई के लिए अपनी जान दे दूंगा। अब होगा हम तीनों का पूरे गांव पे कब्जा। गांव तो ठीक है, मजा आ जाएगा अगर इस गांव पे हमारा कब्जा हो जाए तो। हाँ सही कह रिया है, पहले हम गांव के उस एरिया में जाएंगे जहाँ पर गांव के गुंडे मवाली रहते हैं, हम तीनों मिलकर उनको मारेंगे और पूरे गांव का ऑटोमेटिक हमारा दबाव होगा। अबे ओ, ये हम क्या लगा रखा, सिंगम वाली मूछे लग ली तो सिंगम मत समझ अपने आप को, अब भी रंडी का ही लग रिया साले उबले हुए मेंढक। अबे हाँ तू भी तो टर्टर करे जा रिया, अबे दिलावर और बगीरा जाएंगे। तू भी चुप है साले, तुझसे तो वैसे खुन्नस खाता हूँ मैं। बालों का लुक देखिए अपने, क्या लुक है ये, फूल और झांटों का ऐसे दिन लगता। जिस दिन लूट कर लेंगे, पैसा हाथ में आगा ना, सबसे पहले बाल कटवाइए। इस हिसाब से तो दिलावर तू अकेला ही जागा फिर। क्योंकि इस काम में जान का रिस्क है, और मैं तुम्हारी जान को खतरे में नहीं डालूंगा। अब तुम्हें दिखाता हूँ दिलावर क्या चीज है, बस तुम मेरा इतना काम कर देना
जब मैं इन सब पे पेल ले आऊंगा ना सही करके, तो मुझसे इन्हें बचाने आ जाना, क्योंकि जब मेरा हाथ उठता है तो मुझे भी नहीं पता रुकेगा कि नहीं। धोखे से अगर एक आदमी मर गया तो मुझे दुख होगा, मैं नहीं चाहता मेरे हाथों किसी की जान जाए। इन लोगों को गुलाम बना के रखेंगे, जान से नहीं मारेंगे। आ जाना तुम इन लोगों को बचाने। दिलावर का बप्पी बहिरा, अबे मैं यहाँ कैसे आ गया? मैंने तो वहां सबका सुअर बना दिया था। वो लोग जिंदा तो आए जिन्हें मैंने मारा था, कोई जान से तो नहीं मरा? सबका ही बाजा बजा दिया था यार मैंने तो। अबे तूने उनका बाजा ना बजाया, उन्होंने तेरा पपैया बजा दिया। हम तेरे साथ ना गए, हम तुझे उठा लाए। अगर हम दोनों तेरे साथ चले जाते तो हमें कौन उठा के लाता? कुत्ते नोच नोच के खा जाते हमारी लाशों को। हाँ, और हम तो तेरा होश में आने का इंतजार कर रहे थे। अब जब तू होश में आ गया तो मेरी बात सुन, पता गांव वालों ने तुझे कितना मारा? मेरी तो देख के ही फट गई। तुझे साले 2 दिन में होश आया, मैं कहीं ना जाऊंगा भैया तेरे साथ। अब से तेरा रास्ता अलग, मेरा अलग, चल वे। बस यही तो तुम्हारे अंदर कमी है, बहुत जल्दबाजी में फैसले ले लेते हो। कम से कम ये तो सोच लो, कल कला को मैं कामयाब हो गया, जब महंगी गाड़ी में निकलूंगा तो तुम क्या देखोगे? तुम्हारे चूता शर्म से लाल पीले हो जाएंगे कि आज दिलावर इतनी महंगी गाड़ी में है और तुम फकीर बने पड़े हो। क्या औकात होगी तुम्हारी उस दिन तुम मेरे पास आओगे कि हमें दिलावर फिर से काम पे रख ले,
मैं नहीं रखूंगा। जानते हो मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा उस दिन? एक कमरे में तुम्हें बुला के अपना लोला चुसवाऊंगा और लोला चुसवा कर भी काम पे नहीं रखूंगा, तुम्हारी गांड पे लात मार के बाहर निकाल दूंगा। कि सालों उस वक्त जरूरत थी, आज जरूरत नहीं है, तो सोच लो तुम। यार डर तो बहुत लग रही है आप। अबे डर क्यों रिया है, जब मैं तेरे साथ हूँ, दिलेर आदमी तेरे साथ है, फिर भी डर रिया? अबे तू है साथ में तभी तो इतना डर लग रिया है। अच्छा सुनो, जहां ना तुम दोनों को 80% दे रिया था, अब मैं तुम्हें दूंगा 85%, और थाईलैंड ले जाके लड़कियों के साथ गुफ्तगू। बस गुफ्तगू? अबे बिच्छू, जब गुफ्तगू करेगा तो पुक पुक भी हो ही जाएगी। जो गलती मैंने इस गांव में करी वो अब नहीं करूंगा, अब के जाते ही होगी फायरिंग। चुपचाप अपने घुटने टेक दो, इस गांव पर बगीरा ने कब्जा कर लिया है। मतलब दिलावर भाई ने कब्जा कर लिया है, हम तो इनके आगे पिल्ले हैं। ठीक कह रहा है ये। चल वे साइड में कुआ, इसे बीच में क्या खड़ा कर दिया, नवाब हो रिया पूरा। गांव वालों, मेरे आगे सभी लोग झुक जाओ, क्योंकि अगर मैं झुकाने पर आ गया तो एक एक को घोड़ी बनाकर यही पेल दूंगा। बेटा ये क्या कर रहे हो, अभी तुम्हारी पढ़ाई लिखाई की उम्र है, पढ़ने पे ध्यान दो। ए बुड्ढे, पढ़ाई लिखाई को कूद दे गटरे की गांड में, तुझसे जो कहा गया है वो कर। बहुत बदतमीज हो भाई तुम। अरे अभी तूने बदतमीजी देखी कहाँ है हमारी, हम तो वो लोग हैं जिनसे हमारी बहुएं तक परेशान है, क्योंकि हम अंधेरे होने का इंतजार नहीं करते, दोपहर में ही बहुओं को लपेट देते हैं। ओए, तुम इनसे ऐसे बात नहीं कर सकते, ये गांव के मुखिया हैं। ए केकड़े, आवाज नीची रख, तू अरे गहरे आदमी से बात नहीं कर रहा है। दिलावर नाम है मेरा, पहला शॉट 45 मिनट। लगा ले आइडिया, इस बुड्ढे का क्या हजर करूंगा, चलने लायक नहीं छोड़ूंगा। पूरे गांव पे हमारा कब्जा होगा अब, और तुम सब हमारी गुलामी करोगे। अरे इस गांव पे तुम कब्जा कर ही नहीं सकते, इस पे तो पहले से ही किसी और का कब्जा। अरे किसी का भी कब्जा हो, लेकिन अब कदम दिलावर के पड़ चुके हैं, तो दिलावर का राज चलेगा। नहीं चल सकता, क्योंकि तुम नहीं जानते राजन ठाकुर को। अरे कौन है ये चूजा राजन ठाकुर? फिर गलत गांव में ले आए मुझे। क्यों बे, कौन हो तुम लोग? पप्पी, दिलावर, बगीरा। क्यों भाई, तीनों को गांव पे कब्जा करना है, डकैत बनने का शौक चढ़ा है। जब तक मैं हूँ तुम लोग बिल्कुल मत डरना। इस गांव में आने से पहले एक बार मेरे बारे में जान लेते, मेरे नाम के बारे में जान लेते, राजन ठाकुर। ठाकुर साहब, गलती हो गई कसम से, आज के बाद कभी नहीं होगी ये गलती, इस बारी छोड़ दो, माफ कर दो। गांव छोड़ के इतनी दूर भाग जाऊंगा, दिखाई नहीं दूंगा ठाकुर साहब, प्लीज। ऐसे कैसे जाने दूं, ऐसे कैसे माफ करूं, आज तुम आए हो कल कोई और आएगा, मेरी इज्जत का क्या? इज्जत की टेंशन मत लो ठाकुर साहब, अब ये मेरी ड्यूटी है
सभी जगहों पे जा जाके बताऊंगा, इस गांव में मत आना, राजन ठाकुर बहुत खतरनाक आदमी है, इस बात से बेफिक्र रहो। और देखो आप भी डाकू हो, हम भी डाकू में 10-15%, कहीं ना कहीं से हिसाब लगाओगे ना आप, रिश्ते में बाप ही निकलोगे हमारे। हाँ ठाकुर साहब, इस बार छोड़ दो, एक गलती तो और कोई माफ कर दे। अबे अब क्यों टेंशन ले रही है, माफ कर दिया इन्होंने क्योंकि रिश्तेदारी का मामला निकल गया ना। अबे बेटे जल्दी में ना होता ना, नाश्ता भी करवाते अभी, ऐसे ही आदमी है, बहुत बढ़िया आदमी है ये, आओ चल रहे। जल्दी जल्दी चलो और पीछे मुड़ के मत देखियो बिल्कुल भी। सही कह रही है। अबे भैया कितनी खतरनाक गने थी इनके पास, अगर ये गोली चलाना स्टार्ट करते तो बॉडी में छींचड़े मच जाते हमारी, मुझे बहुत डर लग रही है। अबे तुम डर गए थे और मैं सिर्फ डरने की एक्टिंग कर रहा था, मेरी नजरों में तो एक नंबर का गधा है ये राजन। अबे हमें इतनी आसानी से जिंदा छोड़ दिया और हमारे हथियार भी हमें दे दिए, इसे क्या लगता है अब मैं इसे जिंदा छोड़ दूंगा? नहीं। अबे यार तू अपना दिमाग कम चला, साले जान से मार देंगे वो लोग हमें। अबे चुप, अब पीछे मुड़ के मैं इसे एक ऐसी गोली मारूंगा अभी, उसके बाद इसकी गैंग को अपना गुलाम बना के पूरे गाँव पे कब्जा अपना करूंगा। 1-2-3 कहते ही पीछे मुड़ो और धार से मारूंगा मैं गोली साले के सीने पे। 1-2-3। ओए मैं कह रही हूँ यार राजन पापा, तुम भी बिल्कुल बावले ही हो, बंदूक तो हमसे छीनी ना, ऐसे तो हम फिर दोबारा डाकू बन जाएंगे। लो ये पकड़ो चलो। तीन तक गिनूंगा, मेरी आंखों के सामने दिखाई मत देना, चुपचाप निकल जाओ यहाँ से। 1-2-3। मैंने सोचा था छोटा सा गांव है, बड़ी आसानी से कब्जा हो जाएगा, ये नहीं पता थी गांव के अंदर इतना बड़ा खतरा भी है। पर तुम टेंशन मत लो, इस बार भी मेरी थोड़ी सी गलती रह गई, अगली बार ये गलती नहीं होने दूंगा। तू बहुत बड़ी छिनाल का भाई, तू ऐसा नहीं मानेगा, हर बार फंसवा देता और कह देता कोई ना कोई गलती हो गई। यही तो फर्क होता है कम दिमाग में और एक ज्यादा दिमाग वाले में, एक चीज नोटिस नहीं करी तुम लोगों ने, कितनी जगह हम फंस गए, लेकिन तुम्हें मरने नहीं दिया, जिंदा वापस लाया कि नहीं? तू जिंदा वापस लेगा? साले गोद दिया ना तो किल्ली मारता फिरेगा जमाने में, हमारी किस्मत ने बचाया हमें। यही तो मैं सुनना चाहता हूँ कि तू किस्मत का जिक्र कर, सोचो थोड़ा, किस्मत हमें क्यों बचा रही है बार बार? किस्मत खुद चाहती है हम इस गांव पर राज करें, कल को हम शहर पर राज करें, उसके बाद पूरे राज्य पर राज करें और हम करोड़पति बने। यार बात तो सही कह रही है ये। अबे तुम्हारा साथ ही तो मांग रहा हूँ, जान थोड़ी मांग रहा हूँ तुम्हारी। अरे यार साथ तो हम तेरा दे देंगे, लेकिन अब डर भी तो लग रही है। उस डर के कांटे को अगर बीच रास्ते से हटा दूं तो? कैसे? राजन को ही जान से मार दूं फिर? ए भैये हमारी औकात है उसके सामने जाने की? मेरी तो वैसी फट रही है उसके नाम से भी। इस बार हम लोमड़ी की चाल चलेंगे, बहुत ही चलाकी के साथ उसे मौत के घाट उतार देंगे, तुम सिर्फ मेरा साथ दो। तो ठीक है, तो हम तेरा साथ देने के लिए तैयार। किस्मत ने कितना शानदार मौका दिया है, अकेला खड़ा है साला, इसे अपनी गोली से नहीं मारूंगा, इसे तो थप्पड़ों से मारूंगा, लातों से, घूसों से, फिर घसीटता हुआ गांव तक लेके जाऊंगा, वहां गोली मारूंगा, गांव पे भी अपना कब्जा और शहर पे भी अपना कब्जा। अबे ओ चक्कर में मत पड़, जब किस्मत ने इतना अच्छा मौका दिया तो इस मौके का फायदा उठा ले, यहीं से इसके गोली मार और काम खत्म कर, राजन ठाकुर है वो, हम तो इसके सामने वैसे भी ना जाएंगे। जिस दिन मैंने ये डाकूगिरी ज्वाइन करने की सोची थी ना, उस दिन ही सोच लिया था किसी की पीठ पे वार नहीं करूंगा, ये दिलावर है सामने से वार करेगा। चलो मेरा बेटा फोन पे बात कर रहा है क्या? बहुत घूरता है तू रंडी के, गलत सोच में जी रहा है तू, क्या समझता है कि अकेला तू ही डाकू है? अगर तू इस गांव से बाहर निकल के देखता, पुलिस थानों में बात करता,
तब तुझे पता चलती कि दिलावर भी कुछ चीज है अपने आप में। कुत्ते तुझे क्या लगा दिलावर डर गया कहीं छुपा हुआ होगा? रॉन्ग। दिलावर के बाप ने एक बात सिखाई थी, वक्त खराब हो तो गधे को अपना बाप बना लेना चाहिए। मैंने वही किया, जब मेरा वक्त खराब आया तो तुझ जैसे गधे को अपना बाप बना लिया मैंने। सिगरेट पी रहा है? तुम जैसे मोटे भैंसे लोग बदमाशी पे उतर जाते हो। अबे तुम किसी काम के नहीं होते हो, तुमसे तुम्हारी बीबियां खुश नहीं होती क्योंकि तुम्हारे पेट तो इतने मोटे होते हैं और लुल्ली जरा सी होती है। बीबी दरवाजा खोलती तो है पर तुम घंटी बजाकर भाग जाते हो सालो। दिलावर भाई इससे हिसाब किताब हमें भी तो करना है। हाँ हाँ तुम भी कुछ कहो, उसके बाद तो इसे टपका ही दूंगा ना मैं। क्यों बे, पप्पी का नाम सुना है तूने? तुझे यही कुत्ते की मौत मारूं आज। क्यों बे, अगर उस दिन मुझे दिलावर भाई ना रोकते ना तो पता नहीं चलता तेरी गर्दन कब उतार लेता मैं, समझा? ओए पागल हो गए तुम दोनों, मेरे राजन पापा के बारे में ऐसे क्यों बोल लो? शर्म ना आ रही तुम्हें? अबे मैंने तो कह दिया बस मजाको में मेरा पूरा ना मानेंगे राजन पापा। सालो तुम मत कहो ऐसे, दिल दुख रहा है मेरा, देख रहा हूँ इनकी भाई सब। ले लो, आप ही की तो है, ले लो। कहाँ भी तुम? उस टाइम मैंने तुम्हें छोड़ दिया, मेरी सबसे बड़ी गलती थी, लेकिन इस बार नहीं छोड़ूंगा। शमशेर ना, मैं तो अच्छा खासा जा रही हूँ, ये दोनों मुझे यहाँ पे ले गए जबरदस्ती। सरकार वैसे तुम सही कर रहे हो, मुझे मार रहे हो। मैंने ये गलती करी कैसे? अपने ही पापा पे बंदूक तान दी, बहुत बुरा हूँ मैं। मीम मारो, जान से मार दो मुझे, बिल्कुल सही कर रहे हो तुम। जान से तो मैं तुझे जरूर मारूंगा। मुझे मत मारो प्लीज, मुझे मत मारो, आज के बाद ये गलती कभी नहीं होगी, बिल्कुल दिखाई नहीं दूंगा इस तरफ। तुम्हें तुम्हारे बच्चों की कसम है, बीबी की कसम है, तुम्हें डाकूगिरी की कसम है। चल जाए यहां से। ओए, मैं वो समुंदर हूं जिसकी गहराई नहीं नापी जा सकती, और हाँ अगर तू इस एरिया के आसपास भी दिखा तो तुझे इतनी भयानक मौत दूंगा तूने सोची भी ना होगी। मैं कह रहा था। अबे चुप, कुछ नहीं बोलेगा तू, और मैं तेरे आगे हाथ जोड़ू, हमें जान दे यार, हमारी जान बख्श दे। अरे यही तो कह रही हूँ, सुन तो ले यार, हर बार तुम्हें रोकता था पर इस बार नहीं, तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो। देखो इस काम में जान का भी रिस्क है, मेरी जान भले ही चले जाए पर मेरी वजह से तुम्हारी जान जाए मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तुम दोनों यहाँ से जाओ और अपनी अच्छी जिंदगी जियो। तू भी हमारे साथ चलेगा? मैं किसी कीमत पे नहीं जाऊंगा, या तो मैं मारूंगा या मरूंगा। चले फिर। तू जा, दिलावर तेरा साथ मैं दूंगा, मारेंगे भी साथ और मरेंगे भी साथ। अबे तो यार मैं अकेला जाके क्या करूंगा? दिलावर भाई कब मैंने तुम्हारा साथ ना दिया? मैं भी नया हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ मरूंगा या मारूंगा। नहीं चुप, अब जो भी करेंगे साथ में करेंगे, मरे जिए कुछ भी, तू बस ये बता करना क्या है। आप
तुझसे बोला था ना मेरे सामने मत आना वरना तुझे इतनी भयानक मौत दूंगा तूने सोची ना होगी। गोलियां कहाँ है इसकी? गोली कहाँ है कुत्ते? राजन गोली यहाँ है। एक मिनट बस मेरी एक बात सुन लो तुम लोग। हाँ बोल। मैं कह रहा हूँ ये राजन ठाकुर के यहाँ तुम रहते हो कुत्ते की तरह तुम्हारी इज्जत है ऐसे तो जिंदगी भर तुम इनके गुलामी बन के रह जाओगे। वो अकेला लीडर बना बैठता है कितने खतरनाक कपड़े सोने की चैने वैने पहनता है और तुम्हारी क्या औकात है ये देखो अपनी हालत तुम और ये देखो तुम अपनी हालत जिंदगी भर ऐसी कुत्ते की तरह काटनी है या कुछ सोचा है? मतलब क्या तेरे कहने का? मेरा मतलब है कि मैं अब कोई गाँव वाँव पे कब्जा नहीं करना चाहता मैं ये जगह छोड़कर चला जाऊंगा लेकिन मुझे जाने से पहले राजन को जान से मारना है। ए! तू क्या चाहता है हम राजन के साथ गद्दारी करें? इतना लंबा है हलक तक घुस दूंगा शमशेर कभी गद्दारी नहीं करेगा। इसमें हमारा फायदा नहीं इसमें फायदा तुम लोगों का है। हमें सिर्फ राजन को मारना है उसके बाद हम ये गांव छोड़ के चले जाएंगे फिर पूरे गांव पे कब्जा तुम दोनों का। सोच लो बहुत बड़ा फायदा है तुम दोनों का। गद्दारी तो इंसान के खून में होती है दुख तब होता है जब कोई अपना गद्दारी करता है। अबे चल काय की गद्दारी। राजन भाई के साथ गद्दारी की है सुअर की मौत मारूंगा माथे पे गोली मारूंगा माथे पे। गांव पे कब्जा होगा सिर्फ मेरा होगा। धोखेबाज की जिंदगी में अगर कोई कांटा बार बार चुभ रहा हो तो उस कांटे को छोड़ना नहीं चाहिए जड़ से उखाड़ देना चाहिए। उस दिन अगर तू हमें मार देता तो आज ये दिन देखना ना पड़ता। तुम तीनों निकलो अब यहाँ से मैं इसे संभाल लूंगा। रुक जा इतनी जल्दी भी क्या है।
यार जब तुझे गांव पे कब्जा ही ना करना था, ऐसी छोड़ के जाना था, तो तूने इन दोनों से दोस्ती क्यों करी और तू राजन को क्यों मानना चाह रही? अब ऐसी चल रहा है? हाँ यार, यही बात मेरी समझ में ना आ रही। अब तक हमने अपनी जान जोखिम में डाली गांव पे कब्जा करने के लिए, अब तू कब्जे को ही मना कर रिया, क्या बात है ये? अभी तुम नहीं समझोगे, हम अकेले राजन का कुछ नहीं कर सकते, हमें इसका सहारा चाहिए था। ये धोखा देगा राजन को, हम धोखा देंगे इसे, क्योंकि ये पहले से चला आया है। जो आदमी किसी को धोखा देता है उसे भी धोखा मिलता है।